गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लोग द ब्रॉगली के वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या बोला है। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है और आपको लीनियर मोमेंटम ढूंढना है। किस तरह काम करो, आप के इज इक्वल टू ईवी जीरो जानते थे? यस सर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा पी स्क्वायर बाय 2m, दूसरा इक्वेशन भी रेडी। मैं इन दोनों को मर्ज करूं तो क्या हो सकता है? कुछ, यानी ईवी जीरो इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ईवी जीरो। मेरा बहुत ही बढ़िया काम हो गया, लीनियर मोमेंटम मिल गया। सो पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ईवी जीरो। चलो दोस्तों फटाफट सारी वैल्यू पुट कर दो। 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 9.1 × 10⁻³¹। चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी 56। दोस्तों सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो 4.04 × 10⁻²⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जो मेरा आ गया ना, ये मेरा लीनियर मोमेंटम आ गया, यानी बहुत ही बढ़िया काम हो गया, मेरे पास लीनियर मोमेंटम मिल गया। द ब्रोगली यानी लैम्ब्डा का दूसरा कोई फॉर्मूला? यस सर, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। वी नो दैट पी इज अ प्लैंक कांस्टेंट, सो 6.625 × 10⁻³¹ पी, 4.04 × 10⁻²। ये तो हो गया 10⁻¹। चलो इसका हम कैलकुलेट कर देंगे। सपोज 1.64 ये हमारी वेवलेंथ। अब सब जानते हो 10⁻¹ यानी एंगस्ट्रॉम, तो 1.64 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हमारा बहुत ही बेहतरीन आंसर। तो सेम न्यूमेरिकल है, इसके जैसा ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी है। तो ट्राई करते हैं दोस्तों फास्ट। चलो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी? पी का फॉर्मूला मैंने पक्का किया है, पी इज इक्वल टू 2m V0। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, यानी 9.1 × 10⁻³¹। चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। पोटेंशियल 120 वोल्ट। तो इसका भी आप कैलकुलेट करोगे तो 5.91 × 10⁻²⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो दोस्तों आपको लीनियर मोमेंटम मिल गया। सर इसके जैसा ही था, पर इन्होंने वेलोसिटी भी पूछ ली, तो चिंता मत करो। 11th स्टैंडर्ड, p इज इक्वल टू mv, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू p/m। हो गया हमारा काम। चलो p की वैल्यू पुट कर दोस्तों, 5.91 × 10⁻²⁴। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻³¹। चलो फटाफट कैलकुलेट कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी 0.65, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁷। कन्वर्ट करो तो 6.5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। चलो वेलोसिटी मिल गई। नाउ वेवलेंथ कैसे? ब्रोगली लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। अगेन रिपीट दोस्तों, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रेडी है, 6.625 × 10⁻³¹। ये हो गया 0.65, सॉरी मोमेंटम ये रहा 5.91 × 10⁻²¹। रिपीट कर दो दोस्तों इसको, फटाफट कैलकुलेट कर दो तो 1.21 × 10⁻¹⁰, सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1.21 एंगस्ट्रॉम। और आपके पास दोनों न्यूमेरिकल एक जैसे ही थे, बस थोड़ा बहुत वैल्यू में चेंज आ रहा है, जबकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोडियम के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम करो, एक न्यूट्रॉन के लिए काम करो। लैम्ब्डा में से आपको काइनेटिक एनर्जी में जाना है। अब सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। लैम्ब्डा तो हम सब जानते हैं, द ब्रोगली लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, सो पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्ब्डा।
दोस्तों ये p की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, चलो k वैसा का वैसा 2m, इसकी जगह h स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये मेरा मेन इक्वेशन हो गया, बहुत ही बच्चों अच्छा काम हो गया, ये मेरा मेन इक्वेशन हो गया। अब मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए सोचूं, तो के ई एच स्क्वायर टू एम ई लैम्डा स्क्वायर, यानी सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, बाकी की सारी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। 6.625 10 रेज टू माइनस 34 का स्क्वायर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 लैम्डा स्क्वायर, यानी 589 नैनोमीटर है दोस्तों, यानी 10 रेज टू माइनस 9 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी 6.96 इंटू 10 रेज टू माइनस 25 जूल। ये जूल में से आपको अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में जाना है तो मैंने सिखाया था, क्या करेंगे दोस्तों 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.436 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी सॉरी पॉइंट डायरेक्टली लिख दू, डायरेक्टली पॉइंट कट करते लिख दू तो माइनस 6 यानी 4.36 माइक्रो इलेक्ट्रोवोल्ट। बच्चों ये जो आपको मिल गया ये आपको काइनेटिक सॉरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई। सेम न्यूमेरिकल पर मैं न्यूट्रॉन के लिए ढूंढना चाहूं तो k इज इक्वल टू एच स्क्वायर को कुछ नहीं करने का 2 एम एन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगी सारी वैल्यू। चलो फटाफट पुट कर दो दोस्तों, तो 6.26 यानी 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 का स्क्वायर, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 27, बाकी की सारी वैल्यू वैसी की वैसी, सारी वैल्यू दोस्तों पुट कर दो तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी 3.79 इंटू 10 रेज टू माइनस 28 जूल। अब चलो डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो, यानी 1.6 से डिवाइड करो तो 2.37 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 यानी 2.37 नैनो इलेक्ट्रोवोल्ट। देख सकते हो बच्चों आपको सारा न्यूमेरिकल सारा कंसेप्ट बस दो तीन फॉर्मूला के बेस पे आ गया। तीनों न्यूमेरिकल ध्यान से देख लो, जो एग्जाम में अगर पूछे तो आपको अच्छे से आने चाहिए, परफेक्टली देख लो बच्चों जो एग्जाम में ज्यादा